नमस्कार, स्वागत है आपका आर्थिक प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ इस्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। मॉनसून सेशन में संसद में आएंगे जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड पर बिल, बीजेपी सांसद करेंगे पेश। भारत में 108 दिनों में आए कोरोना के सबसे कम मामले, स्वस्थ होने वालों की भी संख्या बढ़ी। चंडीगढ़ में डोर टू डोर वैक्सीनेशन का पायलट प्रोजेक्ट 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा। कॉलेज में भी लगने लगी वैक्सीन। सिटी कॉलेजों के 64% छात्र लगवा चुके वैक्सीन, गूगल फॉर्म के जरिए सर्वे में खुलासा। उद्योगों पर लगी बिजली इस्तेमाल की पाबंदी हटी, सीएम अमरिंदर सिंह के आदेश के बाद मिली बड़ी राहत। पंजाब में भी बारिश, नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब में ज्यादा बारिश, 48 घंटे तक एक्टिव रहेगा मानसून। स्कूल में बच्चों के लिए कक्षावार बनेंगे अलग अलग रास्ते, एक सेशन में नहीं होंगे 30 से ज्यादा विद्यार्थी। राहत भरी खबर, हरियाणा में बढ़े रही है मानसून की सक्रियता, 15 जुलाई तक अच्छी बरसात की संभावना। मनाली लेह मार्ग पर शाम 4 बजे के बाद नहीं होगी वाहनों की आवाजाही, सीएम जयराम ने मांगी बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट, प्रभावितों को हर संभव सहायता देने को कहा। दिल्ली में कोविशील्ड एक बार फिर खत्म, कई वैक्सीन सेंटर आज से बंद। ऑपरेशन कोविड वेव से हरकत में आई दिल्ली सरकार। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।